आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 30 MQ-9 रीपर की डील को लेकर, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये ड्रोन्स भारत के लिए लद्दाख जैसी सिचुएशन में गेम चेंजर साबित होंगे। इस वीडियो में डिटेल में जाने से पहले एक चीज का आंसर मैं देता चलूं। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि इस तरीके के सिस्टम हम लोग देश में क्यों नहीं बना लेते, अमेरिका से हमें इसको खरीदने की क्या जरूरत है, और क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक रिलायबल सप्लायर है। पहले क्वेश्चन का आंसर है, अभी भारत के पास में हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। हाँ, भारत के पास रोस्टम 2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम पर अभी भारत को लिमिटेड सक्सेस ही मिली है। और निशांत से लेकर रोस्टम तक एक परेशानी जो सामने आई है वो है डेटा लिंक को लेकर, और डेटा लिंक पर भारत को काफी ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन कि ये ड्रोन्स हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही क्यों खरीद रहे हैं, उसका सीधा साधा आंसर है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बेहतर लॉन्ग एंड्योरेंस हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स आज की तारीख में कोई और नहीं बनाता है। और जो तीसरा क्वेश्चन है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक रिलायबल सप्लायर है, उसका आंसर है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी वेपन सप्लायर रिलायबल सप्लायर नहीं है, और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए कोई भी सप्लायर कभी भी आपकी सप्लाईज बंद कर सकता है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, या फिर इसराइल ही क्यों ना हो। और इसी वजह से आपके पास में प्लान बी होना चाहिए, और इस तरीके के एसेट्स जैसे कि MQ-9 रीपर, P-8I नेपट्यून, MH-60R, चिनूक, C-130J और C-17 ग्लोब मास्टर फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, लेकिन इनके बिना काम चल सकता है। और यही कारण है भारत के ज्यादातर सिस्टम्स अलग अलग देशों से अलग अलग तरीकों से खरीदे गए हैं, जिसके वजह से भारत के पास एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। इस चीज के चलते कुछ नुकसान भारत को उठाना पड़ता है, लेकिन इससे भारत की जो पॉलिसी है वो किसी और देश से इंडिपेंडेंट रहती है, और भारत अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से बना सकता है। अब बात करते हैं MQ-9 रीपर को लेकर। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि भारत के ड्रोन्स के साथ में सबसे बड़ी परेशानी इनका डेटा लिंक है, क्योंकि ये सारे के सारे ड्रोन्स रिमोटली पायलटेड होते हैं, और इनको उड़ने के लिए एक डेटा लिंक की आवश्यकता होती है, जिससे इनको सारी कमांड्स दी जाती हैं। ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट यही एस्पेक्ट है। आउटर ड्रोन्स या कहें हार्डवेयर कोई भी बड़ी ही आसानी से बना सकता है। इनफैक्ट अगर आप विंगलॉन्ग 2 को देखेंगे, जो कि एक चाइनीज ड्रोन है और लुक्स में MQ-9 रीपर के ही जैसा दिखता है, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा गिरने वाला ड्रोन वही है, और इनको गिराने वाली फोर्स कोई प्रोफेशनल फोर्स नहीं, रेबल ग्रुप्स हैं। इससे समझ में आता है कि आप आउटर बॉडी तो बना सकते हैं, लेकिन इंटरनल डेटा लिंक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और इस मामले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे आगे है। वो लोग दशकों से इस तरीके के ड्रोन्स हाईली कंटेस्टेड इलाकों में उड़ा रहे हैं। अब बात करते हैं इस तरीके के ड्रोन्स का भारत में यूज को लेकर। इस तरीके के ड्रोन्स के दो सबसे बड़े फायदे हैं, पहला एंड्योरेंस और दूसरा इनकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी। भारत के बेड़े में जो अभी फाइटर जेट्स हैं, इनकी मैक्सिमम एंड्योरेंस 3 से 3.5 घंटे की हो सकती है, लेकिन इसकी तुलना में MQ-9 रीपर 14 घंटे हवा में रह सकता है, और जो काम भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट 5-6 सॉर्टीज में करते हैं, वो ये ड्रोन केवल एक सॉर्टी में कर सकता है। यहाँ पर ये नोट करना जरूरी है कि ये फाइटर जेट एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं कर सकता, और हम लोग यहाँ पर केवल सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं। इसी वजह से इस तरीके की एप्लीकेशंस के लिए ये ड्रोन एक काफी अच्छा ऑप्शन है। दूसरा एस्पेक्ट है, आमतौर पर आर्मर्ड फॉर्मेशन एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ चलती है, जैसे भारत के केस में शिल्का, और ये गन सिस्टम बड़ी ही आसानी से हेलीकॉप्टर्स और लो फ्लाइंग ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। लेकिन MQ-9 रीपर हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स हैं, और ये हाई एल्टीट्यूड से सर्वेलेंस के साथ साथ टारगेट न्यूट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं, यानी कि इनकी एल्टीट्यूड के वजह से ये ड्रोन ना ही केवल एंटी एयरक्राफ्ट गन से सेफ हैं, बल्कि एनिमी आर्मर को बड़ी ही आसानी से न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। और इसी वजह से ये ड्रोन्स लद्दाख जैसी सिचुएशन में भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर होंगे, क्योंकि इस तरीके के ड्रोन्स की मदद से भारतीय सेना चाइनीज मूवमेंट पर 2400 घंटे नजर रख सकेगी, और जरूरत पड़ने पर अगर चाइनीज आर्मर इस तरफ बढ़ता है तो उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकेंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट रहता है कि इस तरीके के ड्रोन्स
अपनी खुद की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं और एयर टू एयर कॉम्बैट में बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिसके कारण इस तरीके के ड्रोन्स की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। वैसे इस तरीके के ड्रोन्स आमतौर पर स्टैंड ऑफ रेंज पर काम करते हैं और ये एनिमी फायर पावर से काफी दूर रहते हैं। कंटेस्टेड इलाकों में इस तरीके के ड्रोन्स एयर डोमिनेंस फाइटर जेट के अम्ब्रेला के अंडर काम करते हैं और लो कॉस्ट होने के कारण अगर एनिमी इनको न्यूट्रलाइज कर भी देता है तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट सेनाओं के ऊपर पड़ता नहीं है। अब बात करते हैं इस डील की कॉस्ट को लेकर। भारतीय सेनाएं 30 ऐसे ड्रोन $3 बिलियन में खरीद रही हैं। इस हिसाब से पर ड्रोन कीमत तकरीबन $100 मिलियन की पड़ रही है। वहीं अगर बात की जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ड्रोन्स की, तो उनकी सेनाओं को हर एक ड्रोन तकरीबन $20 मिलियन का पड़ता है। ऐसे में ये क्वेश्चन उठना लाजमी था कि भारत को ये हर ड्रोन 5 गुना महंगा क्यों पड़ रहा है। इसका कारण है यूएस फोर्सेस इस ड्रोन को पहले से उड़ा रही हैं। उनके पास इस ड्रोन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, वेपन पैकेज और लॉजिस्टिक्स पहले से तैयार है। वहीं भारत के केस में इसको फ्रेश इंडक्ट किया जाना है और ये हर चीज ट्रेनिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स तक नए तरीके से भारत में सेट करनी है और इसी वजह से इस डील की लागत बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन आने वाले सिस्टम कंपैरेटिवली सस्ते होंगे। अब बात कर लेते हैं इस ड्रोन की कैपेबिलिटीज के बारे में। ये ड्रोन एक 950 हॉर्स पावर के इंजन के साथ आता है। इसका इंजन पुशर कॉन्फ़िगरेशन में इसके बिल्कुल पीछे इंस्टॉल किया जाता है, जिसके वजह से सामने की ओर ये ड्रोन काफी आसानी से देख सकता है। इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 480 किलोमीटर पर आर की है और क्रूजिंग स्पीड 280 से 310 किलोमीटर पर आर की है। ये ड्रोन 1700 किलोग्राम का वेपन लोड कैरी करने में सक्षम है। ये ड्रोन हेलफायर मिसाइल के साथ साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब ले जाने में सक्षम है। इस लोड के साथ में इस ड्रोन की एंड्योरेंस 14 घंटे की है, लेकिन अगर ये ड्रोन केवल सर्वेलेंस कर रहा है तो ये 30 घंटे हवा में रह सकता है। इस ड्रोन की रेंज 1850 किलोमीटर की है और ये बड़ी ही आसानी से 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए 2 का क्रू यूज होता है। ये क्रू एक ग्राउंड स्टेशन पर काफी दूर से बड़ी ही आसानी से इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इस ड्रोन में 7 हार्ड पॉइंट होते हैं। फ्यूसलाज के पास वाले दोनों हार्ड पॉइंट्स में 680 केजी का वजन कैरी किया जा सकता है। इन हार्ड पॉइंट्स के ऊपर लेजर गाइडेड बॉम्ब्स बड़ी ही आसानी से कैरी किए जा सकते हैं। इसके बाद वाले दोनों हार्ड पॉइंट्स पर 340 किलो का टोटल वेट कैरी किया जा सकता है, यानी कि इस तरीके के हार्ड पॉइंट्स के ऊपर हेलफायर मिसाइल कैरी की जाती हैं और आउटर पाइलॉन्स के ऊपर 68 केजी का वेट ये ड्रोन कैरी कर सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि ऐसे पाइलॉन्स की क्या जरूरत है जो केवल 34 केजी का वेट उठा सके। इसका कारण है आने वाले समय में इस ड्रोन के साथ में स्टिंगर मिसाइल्स का इंटीग्रेशन। ये ड्रोन आने वाले समय में 4 स्टिंगर मिसाइल भी कैरी करेगा, जो कि इसकी एयर टू एयर मिसाइल होंगी और जरूरत पड़ने पर एरियल टारगेट्स को भी ये ड्रोन आसानी से एंगेज कर सकेगा। ओवरऑल ये काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। हालांकि आने वाले समय में भारतीय सेनाओं को और भी ज्यादा ड्रोन्स की आवश्यकता होगी और ऐसी सिचुएशन में भारत का रुस्तम 2 इस रिक्वायरमेंट के लिए भारतीय सेनाओं की फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए और कुछ और MQ-9 रीपर इन ड्रोन्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकेंगे। यानी कि ओवरऑल आने वाले समय में जो हेरॉन ड्रोन्स को आर्म करने की बात की जा रही है, उसके साथ ही MQ-9 रीपर और रुस्तम 2 भारतीय सेनाओं को काफी बड़ा एज प्रदान करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे, लेकिन अगर नहीं हुए हैं तो आप हमसे क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो व्यूअर्स के बीच में पॉपुलर होती है तो आने वाले समय में हम लोग एक लद्दाख सीरीज शुरू करेंगे और सभी वेपन्स को एनालाइज करेंगे जिनको लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है और उनके सिग्निफिकेंस को समझेंगे। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।